नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देवास के मल्हार रोड पर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा अवैध रूप से बड़ी मात्रा में गैस का भंडारण करने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम और पुलिस भी मौजूद रहे। बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से घरेलू और व्यावसायिक गैस की टंकियां रखी है, जिस पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर अवैध रूप से गैस की टंकियां रखने वालों पर कार्रवाई की और चालान भी बनाए। इस दौरान मल्हार रोड पर बरगढ़ क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बजट संशोधन बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बजट संशोधन पर चर्चा बैठक का आयोजन सभापति मनोज सिंह तोमर की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में किया गया। बैठक में बजट संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा कर बजट 2024-25 स्वीकार्य किया गया। साथ ही निगमायुक्त को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। आज बजट 2024-25 का विचार विमर्श हुआ, विचार के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। किस तरह से दो दिन की पूरी चर्चा रही, कितने प्रस्ताव लाए गए? चूँकि संशोधन प्रस्ताव 28 आए थे और प्रत्येक संशोधन पर चर्चा कराना थी, चर्चा के बाद कई संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, कई निरस्त भी किए गए। उसके बाद शेष बिंदु जो बचे उनको सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। संदेश खाली में हुई महिला उत्पीड़न की घटना के विरोध में भाजपा द्वारा भोपाल में प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता ने कहा, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के शोषण और अमानवीय अत्याचारों के विरोध कड़ी निंदा करते हैं एवं आक्रोश प्रकट करते हैं। शासन से इसके विरुद्ध कड़े कदम उठाने की मांग करते हैं ताकि महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित रह सके। आज 55 दिन हो गए और 55 दिनों में जो ममता बनर्जी का रवैया रहा है, माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जिस तरीके से उनकी आबरू को लूटा गया है, जिस तरीके से उनके परिवारों को मानसिक तौर पर, जिस तरीके से उनके परिवारों को इमोशनल तौर पर टॉर्चर किया गया है, आज उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की प्रत्येक नारी आक्रोशित होकर यहाँ पर आई है और गवर्नर महोदय को ज्ञापन दिया है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। ममता बनर्जी, जाग जाओ, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर महिलाओं के प्रति ये जो आपका रवैया है इसको आपने नहीं बदला और अपने गुंडों का संरक्षण देना बंद नहीं किया। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे राम भक्तों के लिए जीआरपी पुलिस और सीआरपीएफ राम भक्तों को सुरक्षा दे रही है। राम भक्तों के लिए राम मंदिर के दर्शन करने के लिए चलाई गई आस्था ट्रेन में पुलिस ने 6 टीमें बनाई हैं, जिसमें एक टीम में 10 पुलिसकर्मी रहते हैं। जैसा कि सभी को पता है, अयोध्या मंदिर जो बना है उसके लिए शासन की ओर से स्पेशल आस्था ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो पिछले जनवरी से शुरू हुई थी और अभी मार्च तक चलेंगी ये ट्रेनें। तो भोपाल चूँकि एक बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर ढेरों जो ट्रेनें जहाँ भी गुजरती हैं, ये जो इसी ट्रैक से होकर जाती हैं, इटारसी ट्रैक से होकर भोपाल बीना होते हुए झांसी और वहाँ से फिर अयोध्या निकल जाती हैं। तो करीब रोज 6 से 8 ट्रेनें, जो स्पेशल ट्रेनें हैं, वो भोपाल स्टेशन से आती हैं और यहाँ से जाती हैं। तो इसके लिए व्यवस्था ये है कि जब आस्था स्पेशल ट्रेन यहाँ आने वाली होती है तो उसका एक प्रायर प्रोग्राम हमको मिल जाता है कि कितनी ट्रेनें एक दिन में आनी है। जैसे आज जो है 5 ट्रेनें आनी हैं, कल 6 आई थी, 8 ट्रेनें आई थी। इस तरह से हमें पहले से पता होता है कि कौन सी ट्रेनें कब आनी है, उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म की व्यवस्था लगाई जाती है क्योंकि यात्रियों को असुविधा ना हो, किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो और ट्रेन में वो सुरक्षित रहें, रास्ते में भी घटना हो, इसके लिए स्पेशल गार्ड्स चलाए जा रहे हैं। तो हर ट्रेन के साथ जीआरपी से भी एक स्पेशल गार्ड चलती है, आरपीएफ से भी स्पेशल गार्ड चलती है और ये स्पेशल गार्ड आने वाले हर अगले स्टेशन पर तक चलती है। जैसे अभी एमपी की गार्ड है जो पूरी हम जीआरपी भोपाल से ला रहे हैं, वो झांसी बॉर्डर तक चलती है, झांसी से फिर हम हैंडओवर करते हैं, वहाँ से दूसरी गार्ड लगती है। तो जाते वक्त भी और आते वक्त भी ये स्पेशल गार्ड्स लगातार रास्ता ट्रेन में चलाई जा रही है। कितने स्पेशल गार्ड? एक 4 का फोर्स रहता है जनरली, तो स्पेशल गार्ड चलता है, 5 लोगों का फोर्स रहता है पर ट्रेन में, वो चलाते हैं। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन 1 और 2 मार्च को किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। प्रतिभागिता के लिए 1400 से अधिक उद्यमियों एवं व्यापारियों ने पंजीयन कराया है। सम्मेलन शासकीय उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में होगा। जैसे आपने अभी देखा होगा, जो हमने तैयारियां कल के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, इसमें लगभग देश भर के जितने भी नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कि उनके ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रहा है। हमारी अपेक्षा से ज़्यादा लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है और बड़े बड़े ग्रुप के, चाहे वो उसके प्रमोटर्स हों, चाहे उसके सीईओज हों या एमडीज हों, वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पहले जिसको हमने रीजनल लेवल का ही रखा था कि उज्जैन और उज्जैन के क्षेत्र पे, पर लोगों की रुचि को देखते हुए इसका हम स्वरूप थोड़ा सा भी बृहद कर दिया गया है और मध्य प्रदेश
को रिप्रेजेंटेटिव तौर पे पूरा हमने कवर करने की कोशिश की है, पर प्रमुख उद्देश्य यही है कि उज्जैन का जो रीजन है, जो संभाग है, वहाँ पे हम अधिक से अधिक उद्योगों को लाने में और उद्योगों को प्रेरित करने में सफल हूँ। सर कौन कौन अभी इसमें आ रहे हैं, उज्जैन में कितना इन्वेस्ट हो रहा है सर, ये कुछ पता है? सो इस कॉन्फ्रेंस को करने का उद्देश्य है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को उज्जैन में आने के लिए प्रेरित करें। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी रुचि और इंटेंशन इन्वेस्ट करने का यहाँ पे हमको दिखाया है। संख्या के मान से आपको हम कार्यक्रम के पश्चात अलग से बताएंगे, पर काफ़ी संख्या में लोगों ने उज्जैन के प्रति अपनी रुचि। इन्वेस्टर मीट जिसे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के नाम से हमने डिज़ाइन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में इसका इनॉग्रेशन कल होगा। इसके लिए 800 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, इसके अलावा करीब 600 बायर सेलर सम्मिलित हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की मीट और बायर सेलर मीट दोनों इसमें आयोजित होगी। कुछ भूमि पूजन लोकार्पण उज्जैन जिले स्पेसिफिक के प्रस्तावित किए गए हैं और पूरे प्रदेश के भी भूमि पूजन लोकार्पण इंडस्ट्रीज के इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। 12,000 से अधिक लोगों को रोज़गार जो भूमि पूजन लोकार्पण होगा उसमें मिलेगा। इसके अलावा बायर सेलर मीट है जिसमें कि लोग एक दूसरे से मिलेंगे और जो है उनकी बायर सेलर्स की आपस में जो MOUs वगैरह होने हैं वो होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की 1-to-1 मीटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहेगी, उनके साथ लंच और डिनर भी रहेगा जिसमें कि उनके जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा और मध्य प्रदेश में कैसे अधिक से अधिक निवेश आ सके इस पर प्रयास किए जाएंगे। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत आज सहारनपुर नगर पालिका में सामूहिक रूप से लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सहारनपुर नगर पालिका, पचोर नगर पालिका एवं 98 ग्राम पंचायत में 15 करोड़ की राशि से होने वाले विकास कार्य के भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा, मेरी विधानसभा में विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खजाना जनता के लिए हमेशा खुला है। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।